समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव ने यह आह्वान किया है घोसी उपचुनाव में कि झुंड बना करके जाएं, और कई तरह की बात उन्होंने कहा है जिसका अर्थ यह होता है कि वह वहां के वोटर को प्रहोक कर रहे हैं कि वोटर समूह में निकले, भीड़ में निकले और गुंडई करें। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ओर से आयोग को इस बात का ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का जो रूल है, रूल के हिसाब से एक एक लोगों का आईडी चेक होना चाहिए, चाहे वो कोई पर्दा नशीन हो उसका भी आईडी चेक हो, और बिना आईडी चेक हुए वोट डालने की परमिशन किसी को ना दिया जाए। और यह जो झुंड बना करके गुंडई करने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं उनको कम से कम इतनी हल्की बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस बात की शिकायत आयोग से हम लोगों ने आज किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गुंडई करती होती तो समाजवादी पार्टी कई उपचुनाव मैनपुरी का और जगह का जो है जीती है। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के माध्यम से गुंडई करा रही होती तो उनको एक भी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। वो दो दो एक लोकसभा का उपचुनाव जीते, एक विधानसभा का उपचुनाव खतौली जीते। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही रूल रेगुलेशन में चलती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं, और वहाँ जो ये शराब बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, गुंडई करने, और समाजवादी पार्टी का जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के, जो है प्रत्याशी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के लोग रूल रेगुलेशन को मानते हैं। सपा के गुंडई का काम तो सपा के लिए निर्धारित है ना, सपा का तो इतिहास ही गुंडई का है। अच्छा, आप लोग एक देश एक चुनाव की भी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने चैलेंज दिया है, उन्होंने कहा है अगर एक देश एक चुनाव वाली बात करनी है तो उत्तर प्रदेश से इसकी आगाज करना चाहिए, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। यह विषय केंद्रीय हमारे नेतृत्व का विषय है, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो है, बल्कि सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, और केंद्र सरकार इस पर जो है कि विधि आयोग के सलाह से, परामर्श से अपना काम कर रहा है, और वह काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों को जानकारी मिलती जाएगी।